जेल एस्केप। बिरजापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के प्रेसिडेंट का नाम नारंग था। नारंग बहुत बड़ा लालची और धोखेबाज आदमी था। उस गांव के लिए आए सारे फंड्स को वो अपने जेब में डाल लेता था और गांव में रोड, स्कूल और हॉस्पिटल्स नहीं बनवाता था। वहाँ पर पहले से ही रहने वाले हॉस्पिटल और स्कूल पुराने हो गए थे। स्कूल अच्छे नहीं रहने के कारण विद्यार्थी बहुत परेशान होते थे। अस्पताल में सहूलतें नहीं होने के कारण रोगी बहुत तकलीफें उठा रहे थे। अगर कोई जाकर नारंग से अस्पताल बनवाने के लिए या स्कूल बनवाने के लिए पूछता तो नारंग उसे बहुत मारता था। वहाँ पर किसी मीडिया चैनल को आने नहीं देता था। अगर कोई मीडिया वाले वहाँ पर कैमरा लाकर आए तो भी वो उन्हें अपने आदमियों से मरवाता था। इस वजह से नारंग के अन्याय किसी को पता नहीं चलते थे। नारंग उस गांव के फंड से एक बड़ा घर खरीदा और अपने जायदाद को बढ़ाया। उसी गांव में शिवा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। शिवा बहुत अच्छा आदमी था। शिवा ताले तैयार करता था। अगर किसी की चाबी खो जाती तो शिवा एक नई चाबी तैयार करके देता था। उसे मिनटों में चाबी तैयार करते देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक बार नारंग के आदमी मार्केट को आकर वहाँ पर दुकान चलाने वाले लोगों से पैसे वसूल कर रहे थे। वो लोग शिवा के पास आते हैं। शिवा से पैसे पूछते हैं। हफ्ते के पैसे दो, कहा शिवा। तब ये क्या जी, आप हर हफ्ते हमें यूं तंग क्यों करते हैं? हमारे कमाई में से आधे पैसे आपको देने के लिए ही बस हो रहे हैं। ऐसे ही चला तो हम कैसे जिएंगे, कहा। तब नारंग का आदमी जी नहीं सकते तो मर जाओ। हमारे भाई को वोट डालने के लिए पैसे बांटे तो लिए थे ना, एक एक को 1000 रुपए दिए थे, उन्हें वसूल भी तो करना है। मुफ्त में पैसे दिए तो उमड़कर वोट डाल के अब हमसे सवाल करोगे? चुपचाप पैसे दो नहीं तो तुम्हारे दुकान को नाश करेंगे, कहा। शिवा पैसे नहीं देने के कारण वो लोग शिवा के दुकान को नाश करते हैं। शिवा उदास होकर घर आता है। शिवा की पत्नी पार्वती उसे देखकर क्या हुआ है कहकर पूछी तो शिवा जो बीता वो सब बताता है। पार्वती तब, उसके अन्याय किसी को पता नहीं चलने के लिए वो टीवी चैनल्स को आने नहीं दे रहा है। उसके अन्याय पता चला तो सरकार ही उसकी खबर लेगी ना, बोली। तब शिवा को एक उपाय सुझा। नारंग के करने वाले सारे अन्याय को एक एक करके फेसबुक में लिखने लगा और उसने जो वीडियोस निकाले थे उन्हें यूट्यूब में अपलोड करने के लिए सोचने लगा। मगर इसके अंदर ही नारंग का आदमी शिवा के डाले फेसबुक पोस्ट को देखकर नारंग से बताता है। तब नारंग पुलिस वालों से बोलकर शिवा को अरेस्ट करवाता है। पुलिस वाले शिवा को लॉकअप में डालते हैं। शिवा पुलिस वालों से, सर मुझे अरेस्ट क्यों किए सर? अन्याय के बारे में पूछे तो अरेस्ट करोगे क्या? सर मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। आप भी इसी गांव के हैं ना? हमारा गांव ऐसे ही रह गया तो कैसे सर, कहकर पुकारता है। ऐसा ही शिवा को धमकाता है। मगर वही मौजूद एक कांस्टेबल शिवा से, शिवा तुमने सच कहा है, उस नारंग के वजह से हमारा गांव कभी तरक्की नहीं करेगा। उससे छुटकारा पाना है मगर उसके किए अन्याय सीधे हमारे सीएम सर और पुलिस कमिश्नर जी को भिजाए तो अच्छा रहेगा, कहा शिवा। तब, सर मेरी एक मदद कीजिए सर, मुझे एक कैंडल दीजिए। रात में आप लाइट ऑफ करते हैं ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है, कहा। वो कांस्टेबल शिवा को एक कैंडल देता है। अब शिवा स्टेशन में सबके सोने के बाद अपने सेल पे लगाए ताले के अंदर कैंडल को पिघलाकर अपने पास रखे एक चाबी से उस ताले को खोलता है, खोलकर बाहर आता है। ऐसे बाहर आने के बाद नारंग के अन्याय के बारे में उसने जो वीडियोस निकाले थे वो सीएम, पुलिस कमिश्नर और मीडिया वालों को टैग करता है। ये देखकर सीएम नारंग को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है। नारंग से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए गांव वाले शिवा का अभिनंदन करते हैं। ऊपरी अधिकारी पैसों के लिए नारंग की मदद करने के जुर्म में पुलिस वालों को सस्पेंड करते हैं।